चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक किसान ही है जो लड़ सकता है ऐसी ऐसी सरकार से। सच्चा मन से भरो पानी आ जाओ टंडो। किसान के सम्मान को बचाने के लिए एकदम बेचक कुछ भी नहीं, बिल्कुल सच्चे दिल से इकट्ठे हो जाओ आप लोग। इज्जत बचा दो भाई, बिल्कुल इज्जत बचा दो। और हम आप लोगों को छोड़कर अपने इतिहास का काल अक्षर मन पढ़ गए कुछ ही चले जाओ, जान चले जाओ, हमें कोई परवाह नहीं, बिल्कुल कुछ भी वो नहीं है बातचीत। आप लोगों के साथ धोखा नहीं होने का। किसान एक गलती तो करी, अगर जीत हरा दूसरी गलती तो करी मुसलमान मारे। तो दोस्तों ये डांट कर तो दोनों मिल गए मुसलमान से, तो हम लोग कोली भरी नहीं गई। जब कोली भर लोगे फिर यहां से द्वार ना मोदी तो है चाय बेचे कर वो तो आ चुका होगा। आदमी तो मैं इतना बात बनने की नहीं, सच्चा मन से भरो कोली आ जाओ टंडो। इकट्ठे क्यों हो रही? राकेश टिकैत जो रात परेशान करा उसकी वजह से इकट्ठी हो रही। और हम जो है एक एक आंसू का हिसाब लेंगे, खून की एक बूंद बह देंगे। बनते अटक नहीं आने के दिल्ली में, तीनों कृषि कानून बनते खत्म करवाए गए जी उठेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जब ये हमारे गांव में शहरों में जरूर थी, लेकिन जब गांव में जब किसान की ठोकर पाई तब जाके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का काम हुआ। और ये किसान सुन ले नरेंद्र मोदी, ये किसान तुझे प्रधानमंत्री बना सकता है, ये तो एक किसान तुझे दर्द में भी गाड़ सकता है। और आज इस बार हम तो ऐसा नुकैल, ये तीनों कानून है वापसी दे, तीनों कानून वापसी जाएगा जब हम चैन तो बैठेंगे, नहीं तो किसी कीमत पर भी चैन तो नहीं बैठेंगे। और राकेश टिकैत के जो आंसू के आंसू पड़ेंगे तो हम खून बहा देंगे, खून ध्यान कर लियो। यो किसान है, किसान हर का खेल रहेगा, हर चीज का खेल रहेगा। हाँ भाई, मरा तो एक जवान, मरा तो किसान भी सही था। ये क्या अच्छा है, पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहा मोदी। लोकतंत्र खत्म ना होने का बता दिया उसे, और हम बता रहे ऐलान कर रहे हैं यू किसान ही बचा सका देश को। अब तक जितने भी कानून बनाए हैं उनको उनका विरोध जिन्होंने करा उनको मार पिटाई करी, अम्मी पिटाई खा रहे हैं, पर इस कानून को बनन नहीं देंगे। ये किसान ये बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा सरकार को, और नहीं तो हमारी छत पे लिखना पड़ेगा, हमारा गोली मारनी पड़ेगी। ठीक है भाई, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। मुझे चौधरी साहब ने यहाँ यूं भेजा, कब बीती बात भूल जाओ, कुछ नहीं रखा। एक किसान ही है तो लड़ सकता है ऐसी ऐसी सरकार से। और अगर किसान नहीं लड़ेगा, अगर किसान मायूस हो जाएगा, अगर किसान लौट जाएगा, घर बैठ जाएगा, तो ये देश तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा जय सारी बात छोड़ और निकलो, मैं इन्हें कहने आया हूँ, मैं आपको कहने आया हूँ, ये तो कर ही रहे जो कर सकते, अब मत चूकना। आप चूके हो पहले,
गलती मान लो, मैं गलती मान रहा हूँ, गलतियां सबसे होती है। जो किसान के साथ नहीं वो देश का गद्दार है, देश के साथ नहीं हो सकता, वो देश का भक्त नहीं हो सकता। मेरा प्रस्ताव ये है, सुन लो, आपको हुक्का पानी घेरना पड़ेगा, सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह बाबा के मत के किसान एकता, किसान एकता, धन्यवाद। किसान मैं दोनों